press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। लोकसभा चुनाव का कारवां अपने छठवें चरण पर है। 12 मई को दिल्ली में लोकसभा के चुनाव होने हैं, मतदान की तारीख है। हम इस समय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के साथ बैठे हैं। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था, सफाई, पानी, बिजली, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर काफ़ी बातें हुई, जिनकी सफलता को लेकर काफ़ी बातचीत हुई, जिनमें किए गए आमूल परिवर्तन को लेकर काफ़ी बातचीत हुई। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जिन पर काफ़ी बात हो चुकी है उन पर बात न करके कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में बात करें जिन पर कमोबेश कम बात हुई है या जिनके बारे में जनता को थोड़ा सा और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। तो मनीष जी, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्ड्री पर। पहला ही सवाल मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि राष्ट्र जो आम आदमी पार्टी का मुख्य जो चुनावी मुद्दा है वो है दिल्ली को पूर्ण राज्य देने का मुद्दा। इसके बरक्स आप भाजपा के चुनावी मुद्दे को देखें तो वो राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद को अपना मुख्य प्लैंक बनाए हुए है। उसके बरक्स आप कांग्रेस पार्टी को देखें तो वो न्याय और आम आदमी को सालाना, जो गरीब आदमी है उसको सालाना 72,000 रुपये देने का मुद्दा है, मुख्य उनका चुनावी जो एजेंडा है। तो ऐसे मुद्दों के सामने पूर्ण राज्य का मुद्दा जो है वो कितना लोगों को आकर्षित कर सकता है? देखिए, पूर्ण राज्य तो एक शब्द है लेकिन मुद्दा तो जनता की ज़िंदगी है। जनता की ज़िंदगी में मूलभूत परिवर्तन आ सके, दिल्ली की जनता अपनी गवर्नेंस को सीधे सीधे देख सके, वो फ्रैक्चर ना देखे, थोड़ी किसी काम के लिए इधर देखना, किसी काम के लिए इधर देखना, किसी काम के लिए इधर देखना, कभी डीडीए का पार्क खराब, पार्क में काम नहीं हो रहा तो डीडीए के पास जाओ तो बोला नगर निगम का है, नगर निगम के पास बोला दिल्ली सरकार का है। इन सब में जनता ना उलझे इसलिए और जनता के काम ना रुके इसलिए पूर्ण राज्य है। तो पूर्ण राज्य कोई ऐसा शब्द नहीं है कि भाई कोई नोशनल थिंकिंग है। और बीजेपी जिस चीज़ पे चुनाव लड़ रही है वो है फर्जी राष्ट्रवाद जी। राष्ट्रवाद को हमको इस रूप में देखना पड़ेगा कि राष्ट्र किससे बनता है? लोगों से बनता है, लोगों को आपस में लड़ाने से नहीं बनता। बीजेपी का राष्ट्रवाद है कि लोगों को लड़ाओ जी। और उन्हें पाकिस्तान के नाम पर डराओ, बस दो ही चीज़ें हैं बीजेपी के राष्ट्रवाद में। आतंकवाद है और हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहें आतंकवाद के नाम पे, हिंसा के नाम पे, और जब कुछ कोई पूछे जॉब तो बोलो पाकिस्तान, जब कोई पूछे इकोनॉमी बोलो पाकिस्तान, जब पूछे स्वास्थ्य सेवाएं बोलो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान उन्होंने शब्द पकड़ लिया है और हिंदू मुसलमान को लड़ाना उनका, तो फर्जी राष्ट्रवाद इसको मैं कहता हूँ। राष्ट्रवाद क्या है कि राष्ट्र, अगर देश के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो राष्ट्र कैसे मजबूत होगा? पाकिस्तान, पाकिस्तान का नारा लगाने से राष्ट्र मजबूत नहीं होगा, बच्चों को पढ़ाने से राष्ट्र मजबूत होगा। बच्चे पढ़ें और नौकरियां लें और नौकरियां दें, नई नौकरियां बच्चे क्रिएट करें, एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम इसीलिए लागू किया, उससे राष्ट्रवाद निकलेगा, तो वहां से राष्ट्र मजबूत होगा। और कांग्रेस का जो मुद्दा है 72,000 गरीबों को देने का, कांग्रेस देखिए दिल्ली में, तो मैं खासतौर पर देख रहा हूँ, पूरे देश का मुझे उतना आकलन नहीं है कि दिल्ली में तीन पार्टियाँ तीन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछे भाई क्यों वोट दें, बोले मोदी जी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है और मोदी जी पाकिस्तान के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस को क्यों वोट दें जी, हम विपक्ष हैं, तो कांग्रेस विपक्ष के नाम पर चुनाव लड़ रही है, बोले जी विपक्ष तो हम ही हैं। आम आदमी पार्टी काम के नाम पर चुनाव लड़ रही है, तो मतलब कांग्रेस को भी पता है कि आज वो कहाँ है दिल्ली में, तो कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा उसमें, और अभी कांग्रेस से लोग थक चुके हैं। तो आप चूंकि दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे देश के परिदृश्य में देखा जाए तो करीब 30 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, 30 के आसपास है, 30 से थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है मेरा आंकड़ा। तो पूर्ण राज्य जैसी जो जो मुख्य आपका डिमांड है वो जब तक केंद्र में कोई सरकार नहीं बनती है आपकी तब तक किसी को पूर्ण राज्य मिलना दिल्ली के लिए संभव नहीं है। ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि इस बार हम पूर्ण राज्य बनवा कर ही रहेंगे तो केवल इन 30 या इन दिल्ली की 7 सीटों से पूर्ण राज्य की बात कहना कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को भरमाने की कोशिश हो सकती है। देखिए, जिन लोगों ने मतलब 7 सीटें इस बार बीजेपी को मिली थी और उनको 282 सीटें पूरे देश में मिली थी, उन्होंने तो घोषणा पत्र में लिखने के बाद भी नहीं बनाया, तो जिनको 282 सीटें मिल गई तब पूर्ण राज्य बन जाएगा ऐसा नहीं होने वाला जी। जिनको कांग्रेस की और कांग्रेस की सरकार दिल्ली और केंद्र में हमेशा रही, बहुत बार रही, बीजेपी की सरकार बहुत समय रही, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बनाया, तो जिनको सीटें मिल जाएंगी वो बनवा लेंगे, वो नहीं है, जिसकी नीयत होगी वो बनवाएगा। नीयत यह है कि इस बार जो राजनीतिक परिदृश्य साफ साफ दिख रहा है कि इस बार एक तो मोदी जी की सरकार जा रही है,
केंद्र में किसी की भी सरकार बनेगी वो दिल्ली के सातों सांसदों के समर्थन के बिना नहीं बनेगी, और दिल्ली के सातों का सांसदों का समर्थन उसको ही मिलेगा जो दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएगा। जी, तो आप एक एक काल्पनिक स्थिति की बात कर रहे हैं कि जिसमें सातों सीटों, पहली बात तो आप जीत जाएंगे और केंद्र में कोई एक ऐसी सरकार बनेगी जो कि नॉन बीजेपी सरकार बनेगी, तो इस काल्पनिक स्थिति बनने की स्थिति में आपका जो मुख्य दावा है वो उस काल्पनिक स्थिति के ऊपर निर्भर है। मैं एक काल्पनिक सवाल अपनी तरफ से इसी से जोड़ के रखना चाहता हूँ कि अगर चुनाव के बाद कोई परिस्थिति बनती है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कोई गठबंधन की सरकार बनने की स्थिति बनती है और उसे आपकी इन जो ये मतलब सात सीटें जीतेंगे आप दिल्ली वाली, उन सीटों की जरूरत पड़ती है, तो क्या आप पूर्ण राज्य के बदले भाजपा को समर्थन देंगे? भारतीय जनता पार्टी, पहली बात तो जैसी काल्पनिक बात आपने मेरी बात कही वैसी काल्पनिक ये भी है। हाँ। इसमें सबसे बड़ी कल्पना यह है कि कोई ऐसा समय आएगा भारतीय जनता पार्टी में जब मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी हटा के है और मोदी जी को और अमित शाह की जोड़ी को हटा पाएगी जी। ये मुझे लगता है ज़्यादा बड़ी कल्पना है। हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे दिन भी आएंगे कि किसी दिन वो कहेंगे मोदी जी धन्यवाद, अमित शाह जी धन्यवाद, अब आप किनारे बैठो, हम किसी को ले रहे हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ी कल्पना है, वो मेरे से ज़्यादा बड़ी कल्पना है। पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, आइडियोलॉजी उनकी एक ही है, वो इस देश के सामाजिक ताने बाने में यकीन नहीं रखते हैं। सबसे बुनियादी समस्या उनके साथ ये है, इसलिए हमारा उनके साथ में कोई सरोकार हो नहीं सकता। तो हम ही मान के, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई स्थिति बनती है चुनाव के बाद जिसमें भाजपा कोई सरकार बनाती है तो आप वो पूर्ण राज्य देने को तैयार भी होते तब भी आप उनको समर्थन नहीं देंगे? नहीं, भारतीय, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये तो ऐसी, अभी तो मेरे लिए भी ये सोचना कल, ये मैं सोच सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी को सातों सीटें मिलें, पर आप कह रहे हो ये सोच के देखो एक बार कि बीजेपी की सरकार बन रही हो और बीजेपी के नेता खड़े होकर कह दें मोदी जी हमें आप नहीं चाहिए, हटवा यहाँ से। भाई आप तो यही सोच के कह रहे हैं ना कि दूसरे पार्टी की गठबंधन बन गई और उनको आपकी सीटें मिलनी पड़ेगी। हम तो यही सोच के कह रहे हैं कि दूसरा सिनेरियो मैं रख रहा हूँ। हाँ, तो वो ठीक है, वो सिनेरियो हमें स्वीकार नहीं है, वो नहीं स्वीकार है, ठीक बात है। उम्मीदवारों की घोषणा से पहले एक काफ़ी दिनों तक एक अटकलबाजी रही कि आपकी और आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी के आप बीच में आपस में दिल्ली में कोई समझौता होगा। नहीं, दिल्ली में नहीं, दिल्ली और हरियाणा और पंजाब में ले थी। तो ये स्थिति ऐसे कैसे बनी कि एक पार्टी जिसके पास दिल्ली में इतना ब्रूट मेजॉरिटी है, 67 सीटें जिसको दिल्ली की जनता ने दी, वो दिल्ली के लोकसभा चुनाव में वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास क्यों नहीं पैदा कर पाई? इसलिए मैंने आपको विचार टोका था कि दिल्ली में नहीं। देखिए, इस वक्त मतलब पूरा देश में चुनाव इसी रूप में लड़ा जा रहा है कि मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना है कि मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने से रोकना है। जी। पूरा चुनाव यहीं केंद्रित है, मोदी दोबारा आएंगे कि नहीं आने देना है। तो हमें लगता है कि मोदी इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उस खतरे से बचाने के लिए अगर हम दिल्ली में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके पंजाब में अपनी जो भी लिमिटेड हमारी ताकत है, हरियाणा में जो भी और लिमिटेड ताकत है, गोवा में जो लिमिटेड ताकत है, उसके साथ कांग्रेस को, जेजेपी को मिला के, ये हमारी तरफ से एक प्रयास था कि मोदी जी को हम 33 सीटों पर रोक सकें, 33 सीटों पर वहाँ से माइनस कर सकें, जिसमें लार्जली उनके पास हैं। लेकिन ये लोग तैयार नहीं हुए। कांग्रेस दिल्ली में, हमारी कोई इच्छा नहीं थी कि भाई दिल्ली दिल्ली में गठबंधन हो, दिल्ली में हमारा कोई उनसे बातचीत नहीं थी। हमारी बातचीत सिर्फ इतनी थी भाई अगर आप और हम सब मिलके मोदी को रोकना चाहते हैं तो 33 सीटों पे मोदी को रोकने का फॉर्मूला ये है, और वो बहुत शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूला था, हो सकता तो था। कौन था ये कहा गया कि इसमें सबसे बड़ी जो खलनायक थी वो शीला दीक्षित थी, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं जो मोदी को नहीं रोकने का फॉर्मूला काम नहीं करता? पता नहीं, ये तो कांग्रेस जाने भाई, आप लोग बातचीत में थे तो हमारे तरफ से तो कांग्रेस, हमारे कुछ नेताओं की कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात हो रही थी केंद्रीय स्तर पर, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम हरियाणा और पंजाब, चलिए पंजाब भी हमने कहा चलो पंजाब भी छोड़ दो, पंजाब में आप सत्ताएं, हम बिल्कुल विपक्ष में हैं, दोनों डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। गोवा चंडीगढ़ हमने कहा, मतलब हमने कहा कुल मिला के फिर 18 सीटों पे बात करिए, 18 सीटों से कम पे हमारे सिर्फ दिल्ली दिल्ली के लिए हमारे लिए भी कोई ज़रूरी नहीं था, क्योंकि दिल्ली में हमको नुकसान होता। दिल्ली में आज हम सातों सीटों पे बहुत ज़ोर से लड़ रहे हैं, दिल्ली दिल्ली में अगर कांग्रेस के साथ में गठबंधन होता तो फिर कांग्रेस वाली जो सीटें थी वो बहुत नीचे हो जाती। एक आगे बढ़ते हैं, आपके घोषणा पत्र की बात करते हैं। आपके घोषणा पत्र में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आई है कि अगर आपकी सरकार बनती है दिल्ली में, तो है ही है आपकी सरकार, तो जो 85% दिल्ली के कॉलेजों की सीटें हैं उन पर स्थानीय लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। स्थानीय मतलब कौन? मैं वही समझना चाह रहा हूँ, वो कौन लोग हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि एक आदमी बिहार से यहाँ आता है रिक्शा चलाता है, एक आदमी तमिलनाडु से आता है किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है या किसी
और मार्केट की दुकान पे काम करता है। अब वो आदमी तमिलनाडु कर्नाटक से आया निकल के, अगर वो कर्नाटक में रह के अपने बच्चों को पढ़ाता तो कर्नाटक की यूनिवर्सिटी में उसके बच्चों को 85% प्रायोरिटी मिलती, बिहार वाले को बिहार की में मिलती, बिहार की यूनिवर्सिटी में मिलती। अब दिल्ली आ गया हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है जी दिल्ली में आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। अब वो बिहार वापस जाता है या कर्नाटक वापस जाता है, कर्नाटक कहते हैं जी आप तो दिल्ली के हो गए, हमारे तो रहे नहीं आप। तो स्थानीय का मतलब जो भी आदमी दिल्ली में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, दिल्ली के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों से 2.5 लाख बच्चे निकलते हैं हर साल। तो मतलब आप यही कहना कि जो स्कूली शिक्षा यहाँ से करके आएगा उसको मिलेगा, 12वीं क्लास जो यहाँ से पास कर रहा है जी, वो कहीं से भी आया हो देश में, मेरे लिए वो दिल्ली का नागरिक है। अब वो उसी लिए मैं आपके सामने मैथमेटिक्स रख रहा था कि दिल्ली में से 2.5 लाख बच्चे हर साल स्कूलों से निकलते हैं पास करके गवर्नमेंट प्राइवेट से, उसमें से दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमारी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कॉलेजेस हैं सब मिला के दिल्ली के बच्चों को 80-90 हज़ार तक मिलता था एडमिशन जी। हमने और थोड़ा सा स्ट्रेच किया चीज़ों को, अब 1.25 लाख के करीब बच्चों को मिल रहा है। अभी भी 1-1.25 लाख बच्चे हर साल हायर एजुकेशन के लिए तरसते हैं, उनको मैं कहाँ लेके जाऊँ? उनके पेरेंट्स अब दिल्ली में आते हैं, अगर 85% उनकी प्रायोरिटी मिलती तो निश्चित रूप से और 50-60 हज़ार बच्चों को मिल जाती। हम और कॉलेज खोल दें, अब हम नए कॉलेज खोलते चले जाएं और प्रायोरिटी ना मिले तो वही बच्चा अगर वापस बिहार में होता तो वहाँ उसको मिल जाती। अब वो दिल्ली में आ गया तो उसकी क्या गलती है? मैं एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, ऐसा है कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसमें ना कई जगह मिसअंडरस्टैंडिंग इसको ये हो रही है कि जैसे क्षेत्रवाद की राजनीति जी, बिल्कुल क्षेत्रवाद की राजनीति तब होती जब हम ये कहते हैं कि किसी एक जगह पैदा हुए लोग, हम ये कह रहे हैं कि केरल से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक देश के किसी भी हिस्से से आया हो, लेकिन अगर किसी आदमी ने अपनी रोजी रोटी दिल्ली में खोजी है और वो अपने बच्चों को दिल्ली में पढ़ा रहा है तो उसके बच्चों को हायर एजुकेशन की व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक बात। उसके बच्चों को दिल्ली के केंद्रों में प्रायोरिटीज देना हमारी जिम्मेदारी है। पर मैं इससे जुड़ा एक सवाल मैं छोटा सा करना चाह रहा हूँ, ये एक तो अपने आप में जो साउंड करता है वो बहुत शिवसेना मनसे टाइप पॉलिटिक्स है कि आम आदमी पार्टी नहीं है खुद का उसका नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो उत्कर्ष जो था वो एक बहुत बड़ी होप का उत्कर्ष था कि आम आदमी पार्टी एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स के तौर पर उभर रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी अपनी भी समझ बना लीजिए इस पर, शिवसेना और मनसे की पॉलिटिक्स है क्षेत्रवाद की पॉलिटिक्स, मेरी पॉलिटिक्स है अरेंजमेंट की पॉलिटिक्स। भाई मैं 1.25 लाख बच्चे, जो शिवसेना को प्रॉब्लम है कि बिहार से लोग क्यों आए, मेरे को प्रॉब्लम किसी से नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जो आदमी 2 साल पहले दिल्ली आ गया बिहार से, रिक्शा चला रहा है, उसने अपने बच्चे को 12वीं कराई, मुझे उसके बच्चे को एडमिशन देना है कॉलेज में। अब इसमें शिवसेना कहाँ से आ गई, इसमें मन से कहाँ से आ गई? इसमें ये ऐसे है कि आप कह रहे थे कि जो 1-1.25 लाख को आप अकोमोडेट कर पाते बाकी बच्चे छूट जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो दिल्ली के हैं वो दूसरे राज्यों में भी जाके अपने लिए एजुकेशन के चांसेस खोजते हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन उनको 15% मिलती है वहाँ। और एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको बता दूँ, दिल्ली के बच्चों को जो दिल्ली से 12वीं पास कर रहा है देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाता है उसको वहाँ के यूनिवर्सिटी में सिर्फ 15% अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्रायोरिटी जो मिलती है वहाँ उस वहाँ 85% देश की हर यूनिवर्सिटी में जो भी राज्य की हैं वहाँ 85% वहाँ के लोगों को मिलती हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई आदमी महाराष्ट्र से आके अगर उत्तर प्रदेश में रह रहा है तो आज भी उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र के उस आदमी के बच्चों को 85% प्रायोरिटी मिलती है। नहीं, पर दिल्ली की इस तरह की कोई डोमिसाइल पॉलिसी तो है नहीं, तो वही तो चाहिए ना, तो आप उस तरह की कोई डोमिसाइल मतलब मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी भ्रमित मत होइए और सबको भ्रमित मत नहीं, आप स्पष्ट करिए। मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं है, ये मेरे पास बच्चे हैं मुझे उनके पढ़ाने हैं उनको गारंटी की राजनीति है, वो देश के किसी भी हिस्से से आए। सही, अब ये तो बहुत लार्जर एक पिक्चर होगी जिसमें कि पूरे देश में संसाधन बहुत सीमित हैं और सबको देना है, तो आप इसको दिल्ली सेंट्रिक बना लें या पूरे देश के उसमें परिदृश्य में देख लें, तो कुछ लोग तो छूट ही जाएंगे। नहीं, नहीं, 1.25 लाख बच्चों को फिर मैं कहाँ ले जाऊँ? भाई आप कह रहे हो कि आप दिल्ली में जो भी कॉलेज खोलोगे उसमें आप 85% नहीं कर पाओगे, तो ये तो अन्याय है। मतलब दिल्ली के आदमी के बच्चों को एक छोटा सा आंकड़ा मैं रख दूँ तो आप शायद उसको बुझा पाएं कि 51 की जो सन 1951 की जनगणना थी उसमें इस शहर की आबादी 17,44,000 के आसपास थी, जो पिछली जनगणना 2011 की थी उसमें ये बढ़ के 1,70,00,000 हो गई। अब तक का देखें ये 9-10 साल का तो करीब 2 करोड़ हो गई होगी, एक छोटे से शहर की आबादी है 2 करोड़। अब इससे ये आंकड़े बताते हैं बहुत साफ साफ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस शहर की में हर आदमी कुछ उन 17 लाख लोगों को छोड़ दिया जाए जो 51 की जनगणना में थे,
तो वो यहाँ पे दूसरी पीढ़ी के, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी पीढ़ी रह रही है इस शहर में से, तो इतनी बड़ी आबादी है, उसके बारे में कोई बहुत फुल प्रूफ पॉलिसी इस तरह से ना बना के कि तय किया जाए कि कौन दिल्ली का होगा कौन बाहर का होगा, बजाय इसके एक बार बना देना। बात ही नहीं कर रहे, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, दिल्ली के स्कूलों से जो बच्चे पास हो रहे हैं उनको मैं कहाँ लेके जाऊँ, आप मुझे जवाब दे दो। आप कह रहे हो नहीं जी, दिल्ली तो देश की राजधानी है, इसमें तो केरल के स्कूल से भी बच्चे को अगर पास होके आ रहा है उसको भी उतनी एडमिशन के राइट होंगे कॉलेज में जितने यहाँ से दिल्ली वाले को पास होके आ रहे हैं। अगर ये होता है तो क्या दिक्कत है फिर, मैं 1 लाख तो यहाँ का बच्चा कहीं और भी तो कम्पीट नहीं जा रहा ना, तो आपको आपका कहना है कि बाकी स्टेट्स ने इस तरह की पॉलिसी बना रखी है दिल्ली के लिए, इसी ये जरूरी है सारे, यही तरीका है जी। दिल्ली के साथ इंजस्टिस हो रहा है कि ये नहीं है भाई, आप मुझे बता दीजिए। मैं आपने बोला 50 लाख आदमी थे अभी, मतलब जब आपने कितना 1951 में 17.5 लाख, 17.5 लाख का मतलब हो गया लगभग लगभग 4 लाख परिवार दिल्ली में 1951 में 4 लाख परिवार रहते थे। सारे देश भर से लोग आए कि भाई देश की राजधानी है, यहाँ विकास के भी अवसर हैं, यहाँ हमारी ज़िंदगी और बेहतर होगी। अब उनकी ज़िंदगी बेहतर होने की जगह नरक हो गई, क्यों? क्योंकि वो मान लो बिहार से आया, किसी भी राज्य से, मैं बार बार बिहार बोल रहा हूँ, पंजाब से आया, कहीं से भी आया, राजस्थान से आया, अब वो राजस्थान से आके दिल्ली में रहा 30 साल पहले, उसके बच्चे बड़े हो गए, अब वो बच्चे कॉलेज जाना चाहते हैं। अब आप कह रहे हो नहीं जी, आप दिल्ली के कॉलेजेस में तो आपका हक इसलिए नहीं बनता क्योंकि ये तो देश की राजधानी है, ठीक है, और आप वो वापस जाके राजस्थान में एडमिशन मांगे, वो बोले जी आप तो 30 साल पहले चले गए थे। ठीक बात है, चलिए ये मुझे लगता है कि इस पॉलिसी में अभी थोड़ा और चर्चा होगी, इस पॉलिसी को और एक्सपेंड होगा, इसके बहुत सारे आयाम और सामने आएंगे। आप लोगों को बराबर मानिएगा, आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग है डोमिसाइल को लेकर, आप और डोमिसाइल एक अलग इशू है जी। मैं डोमिसाइल के उस इशू पर जा ही नहीं रहा कि कौन दिल्ली का नागरिक है और कौन नहीं है। दिल्ली हर वो आदमी जो दिल्ली में आके रह रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, मेरे लिए दिल्ली का नागरिक है इस पॉलिसी में, और उसके बच्चों को पढ़ाना, उसके बच्चों को हायर एजुकेशन मिलना दिल्ली के उसका हक है। ठीक बात है। एक और छोटी सी चीज़ है जो कि आम आदमी पार्टी की जो पूरी शुरुआत थी उस बेसिक आइडियोलॉजी से बहुत कॉन्फ्लिक्ट, एक विरोधाभास पैदा करती है। आपने आतिशी जो कि आपकी उम्मीदवार हैं उनके बारे में जिस तरह से एक ट्वीट किया कि वो राजपूतनी है, छत्रानी है और रानी लक्ष्मीबाई, हालांकि रानी लक्ष्मीबाई राजपूतनी नहीं थी। ये मैंने तो नहीं कहा कि राजपूतानी थी, नहीं, रानी लक्ष्मीबाई की तरह हैं वो, ऐसा आपके ट्वीट का वो था। तो मैंने तो आप ट्वीट मैंने ठीक से पढ़ी है, तो आप दो सेंटेंस में दो बातें कहते हैं, लेकिन कोई रिलेट कर सकता है कि इसका मतलब करने वाले की हेडेक है, करने वाले का चश्मा मेरा थोड़ी है। तो ये जो राजनीति में आने के बाद ये क्या ये व्यवहारिकता की समस्या है कि आपको जाति और स्तर में बात करने की मजबूरी हो जाती है आम आदमी जैसी पार्टी को भी? आप अगर मैंने लिखा होता कि दिल्ली के सारे राजपूतों आतिशी को वोट इसलिए देना, देखिए सटल तरीके से मैसेज दिया जाता है, मोदी जी भी कभी मुसलमानों को मारने की बात थोड़ी नहीं कहते, वो सटल तरीके से कह देते हैं कि समाज में देखिए ये हो रहा है और वो माइनॉरिटी बहुल इलाके से राहुल लड़ रहे हैं, समझ जाते हैं जनता। मैं तो खुल के कह रहा हूँ कि आतिशी को इसलिए वोट दीजिए क्योंकि उसने एजुकेशन पे काम किया है। कांग्रेस खड़े होकर कह रही है आतिशी को इसलिए वोट मत दीजिए क्योंकि वो यहूदी है और मुसलमानों का और यहूदियों का तो पुश्तैनी बैर है, इसलिए उनको वोट नहीं देना, और अगर वोट दे दिया तो मुसलमानों दोजख में जाओगे जी, कांग्रेस के नेता कहते हुए देखे गए। तो अब मुझे खुल के कहना पड़ेगा उनको कि इन कांग्रेस वालों के भ्रम में मत आओ, वो लड़की यहूदी नहीं है, वो यार राजपूत है जी। बात खत्म। पर मैं ये नहीं कह रहा राजपूत है इसलिए वोट दे देना, वोट इसलिए देना क्योंकि उसने एजुकेशन पे काम किया है। तो आपका ये कहना है कि बेसिकली आपकी बात को जिस तरह से रखा गया वो मकसद नहीं था। मेरी बात को किसी भी तरह से रखा जाए और रखने वाले नहीं राजनीति में, क्योंकि एक बात के कई अर्थ निकाले जाते हैं, तो आप इससे बच नहीं सकते। राजनीति मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आतिशी यहूदी होती मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, मैं उस वक्त खुल के कह रहा होता। आज आतिशी यहूदी नहीं है और कांग्रेस अगर झूठ फैलाएगी और मुसलमानों के अंदर ये भावना भड़काएगी कि खबरदार अगर यहूदियों को वोट दे दिया वरना यहूदियों ने तो हमेशा मुसलमानों पे अत्याचार किए फलाना डिमका, तो भाई मुझे बोलना पड़ेगा जाके कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। एक और सवाल, मैं दूसरे विषय पर आता हूँ। एक सवाल आया था काफ़ी जिस पर बहुत ज़्यादा स्पष्टता नहीं आ पाई, राज्यसभा के जो उम्मीदवारों को जो जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया उसको लेकर एक बड़ा मैसेज गया ये कि जो सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता के दोनों टिकट्स थे उनको लेकर एक बड़ा मुद्दा बना, संजय सिंह के उसको लेकर तो नहीं लेकिन जिस तरह से बाद में पार्टी के अंदर उठापटक मची, आशुतोष ने पार्टी छोड़ी, आशीष खेतान अलग हुए पार्टी से, ये आरोप लगा कि आम आदमी पार्टी ने 2 सीटों का सौदा कर लिया एकदम अनजान से 2 चेहरों को ले आके राज्यसभा में बिठाया गया, जबकि आम आदमी पार्टी के पास बहुत अच्छे चेहरे थे। प्रॉब्लम क्या है कि मीडिया
के साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो अब सारे लोग मीडिया के ऊपर कहते थे सारी प्रॉब्लम। जब मीडिया सवाल पूछेगा तो मीडिया से बोला जाएगा ना, आपका सवाल है, आपने बोला अनजान से चेहरे, अब जो टीवी में ना दिखे वो अनजान ही होगा जी। नहीं, पर सामाजिक आपके लिए जान क्या है और ये सारी सामाजिक कार्य आप थोड़ी तय करते हैं कि नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। आपको पता है कि जंतर मंतर पे पहले दिन दरी किसने बिछाई थी? उसमें तो श्री श्री रविशंकर के लोग भी थे और श्री श्री रविशंकर साहब ने एक मिनट समझो बाबा रामदेव के लोग भी थे, वो तो मैंने देखा था। देखिए मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, जंतर मंतर पे पहले दिन जिस कार्यकर्ता ने दरी बिछाई आप उसको नहीं पहचानते हैं, आप सिर्फ उसको पहचानते हैं जिसने जंतर मंतर पे पहले दिन माइक हाथ लेके भारत माता की जय का नारा लगाया और भाषण दिया जी। तो अब आपको लगेगा यार मैं तो सिर्फ, अब ये आपकी संकुचित सोच है, मेरे लिए दोनों कार्यकर्ता बराबर हैं जी। जिसने पहले दिन दरी बिछाई, जिसको मैंने कहा यार इतने 500 लोग आ गए हैं इनके लिए पानी की व्यवस्था कर दो, फिर मैंने किसी को कहा यार रात को सोएंगे लोग, रात को गद्दे की व्यवस्था, मेरे लिए तो वो भी कार्यकर्ता इंपॉर्टेंट है। आपके लिए जो जाना पहचाना चेहरा है क्योंकि आप सिर्फ फोटो देखते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी है। मैं तो सारे कार्यकर्ताओं को जानता हूँ, मेरे लिए सारे जाने पहचाने हैं। पर आपको लगता है कि इसकी वजह से पार्टी के अंदर कोई रिजेंटमेंट नहीं हुआ या कोई उठा पटक? नहीं, रिजेंटमेंट तो हमेशा होता है। आप दरी बिछाने वाले को दे दो माइक वाला चिल्लाएगा, आप माइक वाले को दे दो दरी वाला चिल्लाता है। तो आपको ये स्वाभाविक प्रक्रिया लग रही थी भाई? जिस बहुत बार होता है, मुझे टिकट मिला पटपड़गंज में जी। मैं माइक वाला था, मेरा टीवी पे इंटरव्यू चलता था, मैं टीवी डिबेट्स में होता था। मुझे जब टिकट मिला पटपड़गंज के चार कार्यकर्ताओं ने कहा जी हम पटपड़गंज में संगठन बना रहे थे, हम कहाँ गए? बात उनकी ठीक थी, पर पार्टी का अपना डिसीजन है, पार्टी के प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं, पार्टी का विनिंग प्रोस्पेक्टिव देखती है, पार्टी आगे का वो देखती है, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन देखती है। आपके पास समय चूँकि कम है तो मैं आखिरी सवाल की तरफ आता हूँ। जिस तरह से पिछला चुनाव लड़ा आपने लोकसभा का 2014 का, 250 से करीब उम्मीदवार लोकसभा के थे, बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी चेहरे थे, एक बड़ी दूसरे तरह की होप थी, एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स की बात थी। दूसरा चुनाव आते आते लोकसभा का आम आदमी पार्टी 30 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही, तो इस संदर्भ को देखते हुए फ्यूचर की पॉलिटिक्स क्या है, राष्ट्रीय जो पॉलिटिक्स हो सकती है, नेशनल राष्ट्रीय स्तर की जो पॉलिटिक्स होगी आपकी, वो क्या है, किस तरह का भविष्य और कब तक उसमें आप फुल फ्लेजेड आने की उम्मीद रखते हैं? देखिए हम जिस आम आदमी पार्टी एक सोच है, आम आदमी पार्टी इस बात की सोच है कि क्या इस देश में शिक्षा के नाम पर चुनाव लड़े जा सकते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और तमाम तरह के समीकरणों पर चुनाव लड़े जाते हैं, क्या कभी चुनाव शिक्षा के नाम पर लड़े जा सकते हैं, क्या कभी स्वास्थ्य नीतियों पर चुनाव लड़े जा सकते हैं? आम आदमी पार्टी उसका एक प्रयोग है, जिस राज्य में भी ये प्रयोग संभव होगा हम करेंगे। हमने दिल्ली में किया, हमने हरियाणा में करेंगे, अब हमने पंजाब में किया, हमने गोवा में किया। अभी तो आप जिस तरह से दिल्ली में सीटें आरक्षित कर रहे हैं स्कूलों में बच्चों को, तो यूपी बिहार में आप जाके क्या कहेंगे? उनको तो ये रहेगा कि आपने उनके बच्चों को, जैसे मीडिया वाले मित्र, आप जैसे मीडिया वाले मित्र रहे तो आप हमारे दिल्ली में भी पिटवाओगे यार। थोड़ा सा कंफ्यूजन हमारा ये काम आरक्षित प्रायोरिटी में अंतर है भाई जी। आरक्षित होता है रिजर्वेशन, प्रायोरिटी होता है कि दिल्ली के, मैं बार बार कह रहा हूँ जी, गोरखपुर में मैं जाऊँगा तो गोरखपुर का आदमी मुझे कहेगा जी मेरा भाई दिल्ली में पढ़ता है और आपने उसके बच्चे को एडमिशन दिलवा दिया इसलिए मेरे यहाँ मेरी व्यवस्था कर दो। आप क्यों बार बार आरक्षित करते हो? आप क्यों बार बार राष्ट्रीय फलक में क्षेत्रवाद? भाई मुझे नहीं पता कि आप कैसे समझ पाओगे इस चीज़ को या आपकी समझ बन पाएगी कभी कि नहीं बन पाएगी इस चीज़ को लेके, लेकिन मनसे और शिवसेना का जो क्षेत्रवाद है और मेरे प्रायोरिटी के इश्यूज में अंतर है। मेरा प्रायोरिटी, मैंने आपको बार बार मैथमेटिक्स बताया कि मेरे पास 2 लाख बच्चे, 2.5 लाख बच्चे हर साल 12वीं पास करते हैं, वो बिहार वालों के भी हैं, वो गोवा वालों के भी हैं, वो तमिलनाडु वालों के भी हैं, उनके बच्चों, वो मुझसे पूछते हैं भाई हमारे लिए कॉलेज खुलवाओ, मैं उनके लिए कॉलेज खुलवाता हूँ, तो आप जैसे लोग कहते हैं नहीं जी इसमें तो पूरे देश के बच्चों को एडमिशन दो। उत्तर प्रदेश से आप आए जी, अब आप दिल्ली में रहते हो, आपके बच्चे को एडमिशन ना मिल रहा हो और आपके बच्चे की जगह सपोज पंजाब से आए हुए एक बच्चे को एडमिशन मिल जाए, आपको लगेगा कि नहीं लगेगा कि यार जब हमारा बच्चा दिल्ली से पढ़ा हुआ है हमारी क्या गलती है भाई? नहीं, मुझे लगता है कि इसके लिए मेरिट बेस्ड कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया बनना चाहिए पॉलिसी के लिए, जो आप लोगों का काम है। तो इसके लिए आप लोगों को ही काम करना, क्योंकि आप ही लोग पॉलिसी मेकर हैं भाई सारे दुनिया में। तो अगर तो ये आपका काम, आप लोगों का काम है ना, एग्जीक्यूटिव बनाएगी कि ऐसी कोई एक पॉलिसी हो जो क्षेत्रवाद क्यों दे रहे हो फिर? क्योंकि अभी तो आप केवल दिल्ली की ही बात कर रहे हैं, ये क्षेत्रवाद नहीं है। आपको लगता है ये क्षेत्रवाद? मेरे को नहीं लगता, आप बताओ कैसे क्षेत्रवाद है? क्योंकि आप कह रहे हैं इसी, यही बात इसी टर्म में तो बाकी राज्य भी कहते हैं, जो आप ये उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि बाकी राज्य करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। नहीं, गाजियाबाद वाले को गाजियाबाद में क्यों एडमिशन प्रायोरिटी मिलती है भाई? वो क्षेत्रवाद है? गाजियाबाद में पैदा हुए आदमी को, गाजियाबाद में जो लड़का पढ़ रहा है, पैदा छोड़ दो, गाजियाबाद में जो बच्चा स्कूलिंग कर रहा है उसको गाजियाबाद की यूनिवर्सिटी में प्रायोरिटी मिलती है, वो क्षेत्रवाद है?
मैंने वही कहा कि मेरिट बेस्ड गुड़गांव में जो आदमी बच्चा आपने पढ़ा रहा है उसको गुड़गांव की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा प्रायोरिटी पे आप फिर भी देखिए अब ये ऐसा हो रहा है कि मेरा इंटरव्यू हो रहा है पर मैं ये चाहूंगा कि आप लोग पॉलिसी मेकर आप लोग हैं तो ऐसा नेशनल लेवल पे कोई वो बनना चाहिए कि जिसमें एक सबको मेरिट बेस्ड कोई मैकेनिज्म हो और सबको मौका मिले और हो सकता है पंजाब के लड़के को यहाँ मिले तो मेरे बेटे को कहीं और मिल जाएगा तो जब आप देश भर में मेरिट बेस करोगे जब देश भर में होगा हाँ। पर मुझे जब तक नहीं है तब तक का यही सिस्टम है। मुझे सिर्फ इतना अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दें इंटरव्यू मेरा ही कर लीजिए आप हाँ। पर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है एक पत्रकार होने के नाते कि गुड़गांव में रहने वाले बच्चे को जिसने गुड़गांव से स्कूलिंग की उसको गुड़गांव में किसी यूनिवर्सिटी में 85% प्रायोरिटी मिलती है आपके हिसाब से वो क्षेत्रवाद है? मुझे लगता है कि मैं इस मामले के जानकार नहीं हूं। अच्छा मनीष सिसोदिया करे तो क्षेत्रवाद और बीजेपी करे तो क्षेत्रवाद नहीं है? अरे भाई मैं इसका जानकार नहीं हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। आपने मुझे जब आपको बताया नहीं तो आप मेरे को क्यों क्षेत्रवाद बोल रहे हो? क्योंकि आपकी बात मैं जानता हूं, मैंने आपका मैनिफेस्टो पढ़ा है। नहीं मैं तो आपको पूछ रहा हूं कि अगर गाजियाबाद में या गुड़गांव में एडमिशन मिल रहा है 85% प्रायोरिटी पे तो वो उसको आप क्षेत्रवाद कहोगे कि नहीं कहोगे? अगर ऐसा होगा तो कहना बिल्कुल कहना पड़ेगा ये क्षेत्रवाद हो गया। बिल्कुल कहूंगा। अगर माफ कीजिएगा तो माफ कीजिएगा आपकी क्षेत्रवाद की समझ बहुत संकुचित है, माफ कीजिएगा। नहीं नेता की संकोच इतनी संकुचित है कि वो केवल सीटों के दायरे में 85% छेड़ बांध के और वोट बटोर लेना चाहता है। मैं सिर्फ बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं। मुझे नहीं आपके बच्चे इलेक्शन पर इलेक्शन के टाइम पे ये बात आती है। क्यों? क्योंकि ये वोट बटोरने की पॉलिटिक्स है ना, ये राजनीति करी, वोट की ही पॉलिटिक्स हुई ना, ये राजनीति से ही होगा। इसमें हित नहीं हुआ फिर मैं वोट मांगूंगा तो हित नहीं है फिर अगर। अरे लार्जर हिट इसमें है कि बच्चे पढ़े। नहीं तो ये आप मैनिफेस्टो में जब बना के चीजें करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको उसके नाम पे वोट चाहिए, उसके चाहिए। और उसके फायदे नफे नुकसान तो बाद में पता चलेंगे कब आएंगे मुझे नहीं पता। मैं कॉलेज खुलवाने के लिए लोगों से वोट मांग रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है कि उसमें मेरे हिसाब से उसमें कुछ खामियां हैं और उसको उसका तरीका ही देश में खामियां है। वो गुड़गांव में भी क्षेत्रवाद है। मैं कहता रहा हूँ वो क्षेत्रवाद है। तुलना आप गुड़गांव से क्यों नहीं करते? हम तो क्योंकि आप उस तरह की पॉलिटिक्स के झंडा बरदार नहीं थे, आप दूसरी पॉलिटिक्स से आए थे यार। हाँ ये बात हो सकती है। मैं वही कह रहा हूँ व्यावहारिक राजनीति में आपको बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। राजनीति नहीं व्यावहारिक प्रशासन है। हाँ वही ठीक है। आप राजनीति में हैं। गुड़गांव के लोगों ने अपने लिए तय कर लिया कि हम अपने बच्चे को पढ़ाए हुए को अपने यूनिवर्सिटी में प्रायोरिटी देंगे। गाजियाबाद के लोगों ने तय कर लिया, दिल्ली ने तय नहीं किया। क्षेत्रवाद हो गया तो मनसे की तरह हो गया। मनसे का क्षेत्रवाद और आम आदमी पार्टी जिसकी बात कर रही है इसमें ये क्षेत्रवाद नहीं है, ये प्रायोरिटी है। ठीक बात। नहीं मैं वही कह रहा हूँ ये आपने कह दिया और कोई अल्टरनेटिव मनसे कहता है स्थिति में आपकी बात मनसे कहता है कि बिहार से जो लोग आए उनको भगाओ। हम तो नहीं कहते, हम तो कह रहे हैं बिहार से जो लोग आ गए उनके बच्चों को एडमिशन दो। चल ठीक है। इसमें अभी मुझे लगता है कि इसमें काफी काम होना है। ये अभी काम होना मैनिफेस्टो के बाद जब ये पॉलिसी के लेवल पे जाएगी चीजें तो इसमें और चीजें इंप्रूव होने की बहुत संभावना है। मुझे दुख हुआ इस बात का कि आप जैसा पत्रकार इसको क्षेत्रवाद बोलता है और फिर थोपता है हमारे ऊपर कि क्षेत्रवाद की राजनीति। मैंने तो आपको जवाब देने के मैंने थोपा नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा कि आप इसको मान लीजिए। आपने जवाब दिया। चलिए ठीक है। एक बस आखिरी सवाल, किसी भी पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल साइंस का जो वो है फिलोसफी है उसमें राजनीति में सर्वाइवल के लिए आपके पास एक बहुत स्ट्रांग कोई आइडियोलॉजिकल बैकअप होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए उसका और उसका सपोर्ट होना चाहिए, चाहे उसमें खामी हो, अच्छाई हो, बुराई हो, चाहे वो संघ का एक आइडियोलॉजिकल ब्लॉक हो, दक्षिणपंथी पॉलिटिक्स ब्लॉक है, एक वामपंथी ब्लॉक है, तो ये तो एक दो बड़े ब्लॉक है जो और एक सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स उसके साथ चलती रही है। आम आदमी पार्टी का पूरा जो उदय हुआ है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन से शुरू हुआ लेकिन उसमें उस तरह की कोई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी वाली आइडियोलॉजिकल फोर्स का बहुत अभाव है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वो कितना सस्टेनेबल है, कितना दूरगामी इसके वो कितना लंबा इसका भविष्य है? देखो हमें किसी आइडियोलॉजी की कोई चिंता नहीं है और ना हमें इस बात की चिंता है कि हमारी कोई आइडियोलॉजी है कि नहीं है। हम कुछ करने आए हैं यहाँ पे, हम किसी आइडियोलॉजी को अधिरोपित करने नहीं आए या हम किसी आइडियोलॉजी से चिपकने या चिपकने नहीं आए। हमको लगता है कि इस देश में ऑनेस्ट पॉलिटिक्स की कमी है, हमने पार्टी बनाई जी। आज उसका फ़ायदा ये देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में जब हम सरकार में आए तो दिल्ली में जो टैक्स था, दिल्ली का बजट था 30,000 करोड़ रुपए जी। हमसे 5 साल पहले या उससे और भी पहले सब्सिक्वेंटली 1,000 करोड़ रुपए एवरेज बढ़ता था बजट जी। तो हमसे 5 साल पहले 25,000 करोड़ रुपए था और 2015 तक आते आते वो 30,000 करोड़ रुपये हुआ। 2015 से 2019 तक 4 साल में वो बजट हो गया 60,000 करोड़ जी। ये ऑनेस्ट पॉलिटिक्स का है। क्यों? क्योंकि पहले नेता और मंत्री टैक्स बढ़ाते थे, एक हाथ से दूसरे हाथ से पैसा लेके वो टैक्स कम कर देते थे जी। एक हाथ से रेड डलवाते थे, दूसरे हाथ से वो रेड वालों को इंस्पेक्टर को कहते थे बस भाई चाबी टाइट हो गई, पैसा आ गया, अब चाबी छोड़ दे। वो हमने 4 साल में बंद किया तो उसी व्यापारी ने दिल्ली के टैक्स का पैसा दिया।
30,000 करोड़ रुपए देने वाले ने 60,000 करोड़ रुपए दिया, जबकि हमने टैक्स का स्ट्रक्चर कम कर दिया। आज दिल्ली सरकार के पास खूब पैसा है लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए, लोगों के काम करने के लिए। हमारा आइडियोलॉजी अगर आप पूछें तो हमारी आइडियोलॉजी जो है, आइडियोलॉजी क्या होती है, आइडिया ऑफ इंडिया है, आइडिया फॉर योर ओन कंट्री है। मेरी हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है आइडिया ऑफ इंडिया थ्रू एजुकेशन, थ्रू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, 5% लोगों के लिए नहीं। इन सब आइडियोलॉजी से हमें कोई मतलब नहीं है, हम इसको भी अपने चिपकने चिपकाने की बात नहीं कर रहे। ऑनेस्ट पॉलिटिक्स चाहिए, ऐसी पॉलिटिक्स चाहिए जो एजुकेशन को प्रायोरिटी पे लेके चले, हेल्थ को लेके प्रायोरिटी पे चले, ये हमारी पॉलिटिक्स है। इसको आप कोई आइडियोलॉजी बोल लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको लगता है कि ये जो जो आम आदमी के जीवन से, रोजमर्रा के जीवन से जुड़े इशू हैं, इनको भी मिलाकर एक आइडियोलॉजी बनती है और वो उससे सर्वाइव किया जाता है? आइडियोलॉजी बने ना बने गवर्नेंस बनती है, गवर्नेंस का मैं इसीलिए कह रहा हूं, आइडियोलॉजी कांसेप्ट है, आइडियोलॉजी हो सकता है किसी और कांसेप्ट में आती हो। हमारा कांसेप्ट है कि भाई गवर्नेंस है, लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई प्रायोरिटीज हैं, उन प्रायोरिटी को हमको देना है, लोगों से ईमानदारी से टैक्स इकट्ठा करना है, उस पैसे को इकट्ठा करने में लीवरेज मतलब लीकेज नहीं होनी चाहिए, उसके खर्च करने में लीकेज नहीं होनी चाहिए और उसका विजन होना चाहिए। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।